नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 6 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 46, यानी कि आज की क्लास 6 की लास्ट क्वेश्चन भी है ये 46। तो आइए देख लेते हैं, आज का हमारा 46 क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर द्वारा 56 डिग्री का कोण बनाओ। तो आइए देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी एक रेखा ले लेंगे, इस तरह से ए बी रेखा हमने ले ली है और अब हमें इस ए बी रेखा पे हमने बनाना है प्रोट्रैक्टर की सहायता से 56 डिग्री का कोण। तो उसके लिए पहले हम प्रोट्रैक्टर यानी कि डी, जिसको कई नामों से पुकारते हैं, डी भी बोलते हैं और उसको चांद के नाम से भी पुकारा जाता है, तो आपको जो नाम इसका अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी प्रोटेक्टर है या डी है या चांद है। तो इसको हम जो कैसे देखते हैं, तो इसकी सहायता से हमें बनाना है 56 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इसकी जो मिडल लाइन है और यहाँ ये जीरो से स्टार्ट होती है इस तरह से, जो मैं नीचे वाली मैं आपको काउंट कर रही हूँ पहले, और यहाँ पर 180 डिग्री तक, तो इस तरह से हम यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से इस तरह से ये एंगल बनता है। और अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इसमें एंगल होते हैं, जो ये ऊपर वाली जो लाइन होती है, तो यहाँ से भी जो है पूरे के पूरे जो है वो एंगल इस तरह से होते हुए घूमते हुए जो है वो यहाँ तक जो है वो यहाँ पर जो है आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप चाहे वैसे हम जो है यहाँ से करेंगे, जीरो से जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 है तो 50 से आगे देखो 50 की जो ये वाली जो लाइन है और 50 से 45 है, तो 5 से एक आगे लेना है हमने। तो सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं आराम से। तो और मैंने कहा था आपको कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये बिंदु A पे आएगा यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरह से आपने रखना है, इस तरह से आपने इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे रखना है। ये आता है आपका 50 के बाद ये है आपका 55 और 55 से ये आपका 6 आएगा, 55 की 6 आता है, तो आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 56। और इस पॉइंट को मैं, इस 56 पॉइंट को मैं अब स्केल की सहायता से, अब मैं इस 56 पॉइंट को स्केल की सहायता से मैं इसको इस तरह से हम इसको डार्क लाइन में इसको मिला लेंगे ए बी सी, और इसको मैं नाम देती हूँ, ये हमारा बन जाता है 56 डिग्री का एंगल इस तरह से। और इस तरह से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।